सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भी सुजलोन एनर्जी को लेकर। सुजलोन एनर्जी आप लोग देखो अपने सपोर्ट प्राइस पर खड़ा है, आज हल्की सी गिरावट रही है स्टॉक में और 74 रुपये 16 पैसे के भाव में क्लोजिंग लिया है। 3,29,00,000 की वॉल्यूम भी हमें देखने को मिली है और स्टॉक ASM की फर्स्ट स्टेज में हमें एक्टिव दिखाई दे रहा है। अभी 13 तारीख को हुआ था, 13 अगस्त को, अभी भी यहीं पर एक्टिव है। तो ये शॉर्ट टर्म ASM है अभी। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो कंपनी ने बाज़ार बंद होने के बाद एक जो अभी खबर दी है और इस खबर के मुताबिक स्टॉक के ऊपर कैसा असर होगा कैसा नहीं वो जानेंगे, ठीक है। कंपनी को 400 करोड़ प्लस कुछ अमाउंट मिल रहा है अभी। तो चलिए देख लेते डिटेल में क्या खबर है। जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी CNBC आवास पर हमें ये अपडेट देखने को मिली है, सुजलोन एनर्जी बाज़ार बंद होने के बाद आई बड़ी खबर, शेयर पर रखें नज़र भाई। तो कंपनी ने क्या कहा है भी देखो, अपनी जो कंपनी ने कॉरपोरेट ऑफिस की प्रॉपर्टी को बेचने और उसे वापस लेने का करार किया है। यानी पहले कंपनी बेच रही है उसको, उसके बाद इसको वापस ले लेगी, ऐसा कंपनी ने कहा है। और कंपनी ने इस बारे में ऐलान बाजार बंद होने के बाद किया है भाई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भी पूरी खबर क्या है, पूरा क्या मामला है। तो क्या दी है कंपनी ने जानकारी, तो शेयर बाजार को भेजी जानकारी में कंपनी ने कहा कि उसने स्पेशल पर्पज व्हीकल और बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड यानी कि OEBPPL के साथ कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस वन अर्थ प्रॉपर्टी की बिक्री की डील पर हस्ताक्षर की है। और OEBPPL एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है जिसके शेयर 361 अल्टरनेट्स एसेट मैनेजमेंट के द्वारा जो मैनेज है वो फंड के पास है। ये डील 440 करोड़ रुपए की है, एग्रीमेंट 4 सितंबर को हुआ है और ये डील आप लोग 5 सितंबर को पूरी हो जाएगी, ऐसा कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। और स्टॉक का प्रदर्शन कैसा रहा है वो तो आपने देख लिया होगा अभी पीछे, तो 84 रुपये 40 पैसे का इसका 52 वीक हाई है और अभी के टाइम स्टॉक आप लोग देखो ऊपर से टूटा हुआ है भाई, ठीक है, 10-12% टूटा हुआ है, 12-13% के आसपास। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका इम्पैक्ट कैसा रह सकता है। और साथ में कंपनी ने यह भी कहा है कि भाई कंपनी ने कहा है कि डील पूरी होने के बाद वन अर्थ प्रॉपर्टी को जो ना भी कंपनी वापस लीज पर ले लेगी, लीज 5 साल के लिए होगी। और कंपनी ने जानकारी दी है कि इस बिक्री को 25 मार्च 2022 को हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो ना भी शेयर धारकों की मंजूरी मिली थी। तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है भाई और इसको जो ना भी कंपनी ने एक्सचेंज पर भी डाल दिया। चलिए मैं आपको उसका नोटिस भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी ने इसका ये नोटिस भी डाल दिया है, जो वन प्रॉपर्टी जो भी वो सेल करी है कंपनी BSE NSE की साइट पर आप लोग इसका चेकआउट भी कर सकते हो जाकर। और यहाँ पर देख सकते हो अभी कंपनी ने इसके बारे में डिटेल जानकारी दे दी है, सेल ऑफ वन अर्थ कॉरपोरेट ऑफिस। तो वन अर्थ कॉरपोरेट जो ऑफिस है वो कंपनी ने सेल किया भाई, और ये क्या भी OEBPPL, ठीक है इसको, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है टोटल अपडेट्स, तो इसकी जानकारी मैंने आपको डिटेल में दे दी अभी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी 4 तारीख को ये आप लोग देखोगे एग्रीमेंट हुआ है और 5 तारीख को कल के दिन ये डील हो जाएगी। तो 440 करोड़ रुपये में आप लोग देखोगे ये डील होते हुए नज़र आ रही है भाई। तो आगे कंपनी इसको जो है अभी 5 साल के लिए फिर लीज पर ले लेगी, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट है टोटल। तो चलो अब देख लेते हैं आगे इसके कैसे क्या मूव आ सकते हैं इस खबर के बाद। तो यहाँ पर देखो सुजलोन एनर्जी हमें ऊपर से एक डाउन ट्रेंड की फॉर्म में दिखाई दे रहा है, अभी के टाइम स्टॉक में कंटिन्यूसली फॉल बना है पीछे, अभी के टाइम भी 12-13% के आसपास तो गिरावट में है ही है ये। तो नीचे में 74 रुपये का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी, और इसी लेवल के ऊपर स्टॉक खड़ा है अभी के टाइम। अगर ये 74 रुपये के ऊपर में सस्टेन करता है, ऊपर में टिकता है, तो इसके चांस रहेंगे फिर से 80 रुपये के आसपास जाने के। और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना भी ज़रूरी है भाई, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तभी जाएगा वहाँ तक 80-85 रुपये के आसपास। अदरवाइज नीचे में पहला सपोर्ट 74 के इस लेवल पर तो खड़ा है स्टॉक, और नीचे में जो सेकंड सपोर्ट रहेगा वो 71 का फिर 65 का, तो ये 2 सपोर्ट हो रहा है नीचे में 71 और 65। तो ये इसके लेवल रहेंगे भी। फ्रेश एंट्री की मैं यहाँ पर आपको कोई सलाह नहीं देने वाला हूँ इस न्यूज़ की वजह से, एक बार अगर तेज़ी बन जाएगी तो उसके बाद स्टॉक में फिर थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना आगे के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।